जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो मैच है वो है आयरलैंड एंड न्यूजीलैंड के बीच में सेकेंड T20 मैच। दोस्तों, जो फर्स्ट T20 मैच था आयरलैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में, उसमें मैंने ये टीम लगाई थी ग्रैंड ले की, जिसमें देखिए ये एक मेरी टीम थी, ये दूसरी मेरी ये टीम थी, तीसरी ये वाली टीम थी, चौथी एक ये टीम थी, इसके बाद ये टीम थी। आप दोस्तों मेरी टीम्स को देखो, मैंने क्या फॉर्मेट रखा है। मैंने सबसे ज़्यादा जो फॉर्मेट रखा है दोस्तों, वो रखा है, देखिए इस टीम को देखिए दोस्तों ध्यान से। कैप्टन लोकी फर्गुसन, वाइस कैप्टन जोशुआ लिटिल, इस शोड़ी मार्क डायर जो डफी। ये देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको पहले वाले प्रीवियस मैच के मैंने जो वीडियो बनाई थी उस वीडियो में मैंने आपको साफ तौर पे बोला था कि दोस्तों, अगर ग्रैंड लीग जीतना है तो आपको नीचे के 5 बॉलर को, 2 ऑलराउंडर को, 3 बैट्समैन को और 1 विकेट कीपर को आपको रखना ही होगा। अगर आप इस फॉर्मेट पे चलेंगे तो आपको आपकी टीम मैच अच्छा रैंक लाएगी, ये तो कन्फर्म है। रैंक अच्छी आएगी ये तो कन्फर्म है। आप देखो दोस्तों, आप देखो मेरी जो आप दोस्तों देखो जो मेरी टीम है, वो पहली टीम ये 51 रुपये का मैच था, मैंने 120 रुपये इसमें मेरे को मिले थे। अब देखो, इसमें मैंने निशम को कैप्टन बनाया था, कुर्तिस कैंपर को वाइस कैप्टन बनाया था, इस जोड़ी भी था, लोकी फर्गुसन भी था, जोशुआ लिटिल भी था। तो दोस्तों, जो मेरे हिसाब से जो मैंने एक चीज़ नोटिस किया है वो ये है कि ट्रम्प कार्ड प्लेयर जो होते हैं, जो ऐसे प्लेयर्स को आपको ज़्यादा हर टीम में आपको ऐसे प्लेयर को रखना है जो प्लेयर आपको अच्छे से अच्छा रैंक लाकर दे सकता है, परफॉर्म कर सकता है। दोस्तों, अब मैं वीडियो शुरू करता हूं और आपको बताता हूं कि वो कौन कौन से प्लेयर हैं जो आज के मैच में अच्छा परफॉर्म करेंगे, ड्रीम टीम का हिस्सा ज्यादा से ज्यादा बनेंगे। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ड्रीम टीम का हिस्सा अगर कोई भी प्लेयर बनते हैं तो आपकी टीम अपने आप अच्छी रैंक लानी शुरू कर देती है। अब आपका निर्भर करता है कि कौन कौन से प्लेयर है जिनको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है। दोस्तों, इस पे मैं एक बहुत अच्छी वीडियो बना के लेके आऊंगा आप लोगों के लिए कि कैप्टन और वाइस कैप्टन को किस तरीके से चुनाव किया जाए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने जा रहा हूं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपको ये सारी वीडियो फटाफट आपको मिल सके। अब मैं शुरू करता हूं वीडियो, और पहला मैच खत्म हो चुका है, ये दूसरा मैच है जो आयरलैंड और न्यूजीलैंड के बीच में होने वाली है। हम थोड़ी सी रिपोर्ट देखते हैं पहले मैच की। फर्स्ट मैच में आप देखिए क्या हुआ था, गुप्टिल साहब अच्छे फॉर्म में थे, 12 बॉल पे 24 रन मार के आउट हो गए, फिन एलन नहीं चले, क्लेवर नहीं चले, ग्लेन फिलिप्स चले, डेरी मिशेल नहीं चले, निशम चले, ब्रेसवेल ने 21 रन मारा, बाकी सबके सब ऐसे ही है। अगर बॉलर में देखा जाए दोस्तों, आयरलैंड के बॉलर की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पे सी योंग 3 ओवर किए 18 रन, कोई विकेट नहीं, मार्क एडाय 4 ओवर किए 49 रन 2 विकेट, जोशुआ लिटिल 4 ओवर 4 विकेट, मैकार्थी 2 ओवर में 13 रन देकर 0 विकेट, डॉकरेल को 4 ओवर में 1 विकेट एंड कुर्टिस कैंपर को 2 ओवर में 1 विकेट मिले, डेनली 1 ओवर कराए। अब अगर आयरलैंड की बैटिंग ऑर्डर की देखते हैं तो देखिए पॉल स्टर्लिंग 13, बेलबरिन 12, जी डेनली 5, हैरी टेक्टर 5, कुर्टिस कैंपर 29, एल टक्कर 11, जॉर्ज डॉकरेल 15, मार्क एडायर 25, बैरी मैकार्थी, क्रेग योंग, जोशुआ लिटिल। तो दोस्तों, अब मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें देखिए जे डफी को 3 ओवर में 1 विकेट मिला, लोकी फर्गुसन को 3.2 ओवर में 4 विकेट मिले, निशम को 3 ओवर में 2 विकेट किए, सेंटेनर 4 ओवर करा रहे हैं, इस जोड़ी 4 ओवर कराए, सेंटेनर को 2 विकेट, इस जोड़ी को 1 विकेट मिला। अब दोस्तों, इस आधार पे मैं आपको अपनी ग्रैंड लीग की टीम की तैयारी शुरू करता हूं। अब देखिए यहां पे आते हैं दोस्तों, पिछले मैच में आप अगर देखोगे तो आप ये पाओगे कि क्लेवर ने अच्छे बैट्समैन है, लेकिन ये सिर्फ 5 रन बनाकर आउट है, और इनका सिलेक्शन परसेंट देखिए 38% है। तो ये हमारे ग्रैंड लीग के ट्रम्प कार्ड प्लेयर रहेंगे। अब दोस्तों, यहां से देखिए, अगर फिन एलन पहले बैटिंग करते हैं तो हम इनको ग्रैंड लीग की टीम में हिस्सा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। हम मान के चलते हैं कि न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है, अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है तो फिन एलन हमारे टीम में रहेंगे, मार्टिन गुप्टिल रहेंगे,
यहां से डी क्लेवर को हमने रख लिया। इसके बाद दोस्तों देखिए, इसके बाद आते हैं ग्लेन फिलिप्स। अगर हमारी टीम, अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है तो ग्लेन फिलिप्स को हटा दीजिएगा इस बार, डेरी मिशेल को रखिएगा। ये रहे यहां पे डेरी मिशेल, ठीक है। अब देखते हैं बॉलिंग सेक्शन में, लोकी फर्गुसन एक विकेट ले सकते हैं या मैक्सिमम दो विकेट, इससे ज्यादा इनको मिलने वाला दोस्तों नहीं है। क्रेग यॉन्ग को आपको रखना ही रखना है क्योंकि पिछले मैच में ये कुछ नहीं कर पाए थे। इस मैच में देखिए, क्रेग यॉन्ग को 3 ओवर किया, 0 विकेट। इस मैच में इनको 1 से 2 विकेट मिलना कंफर्म है दोस्तों। अब सबसे बड़ी बात है कि क्रेग यॉन्ग को विकेट कब मिलेगा। विकेट इनको तब मिलेगा जब स्टार्टिंग के बॉल बैट्समैन जो है, जो स्टार्टिंग के, जो न्यूजीलैंड के स्टार्टिंग के ओपनर बैट्समैन है, अच्छे रन मारेंगे, फिर आएंगे सी यॉन्ग और फिर ये लेंगे विकेट। जोशुआ लिटिल 1 विकेट, मार्क एडायर बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉलिंग भी अच्छी करते हैं। इस शोरी को रखना है, जे डफी को भी रखना है। लोकी फर्गुसन, फिलहाल मैं लोकी फर्गुसन को यहां से अपनी टीम से हटा रहा हूं। अब मैं यहां से देखता हूं ऑलराउंडर में किसको रखा जाए। दोस्तों कैंफर 4 ओवर करेंगे और बैटिंग करने कहां पे आते हैं, ये देखिए कैंफर आते हैं 5th डाउन पे, यानी कि कैंफर को हमें रखना ही रखना है। जोए डेनली को रखेंगे क्योंकि ये ओवर भी कराते हैं। अब देखिए हमारी जो टीम है वो इस तरीके से दोस्तों मिल बनकर कंफर्म हुई है, यानी कि हमने क्या किया है कि दो न्यूजीलैंड के 2 बॉलर को रखा है। ऊपर से ये देखिए इनके 3 बॉलर हो गए। अब देखिए दोस्तों यहां पे जो टीम बनी, न्यूजीलैंड के प्लेयर 3 और ये 3 न्यूजीलैंड के प्लेयर, ये नीचे के ऑलराउंडर में 2, ये कहां कहां बैटिंग करने आते हैं ये देखिए। डेली आएंगे 3rd नंबर पे और कैंफर आएंगे 4th नंबर पे, 5th नंबर पे सॉरी, और कैंफर आएंगे 5th नंबर पे। बॉलर में ये देखिए, ये आयरलैंड के बॉलर दोस्तों, ये टीम तैयार। लेकिन इसमें भी मुझे अभी कुछ कंफ्यूजन लग रहा है दोस्तों कि हम इस तरीके से कैसे करें, क्योंकि अगर हम नीचे के बॉलर को रखे हैं, मेरे दोस्त आप लोग थोड़ा सा ध्यान से बारीकी से समझो बात को, कि हमने क्रेग यॉन्ग को रखा, जोशुआ लिटिल को रखा, मार्क एडायर को रखा। हो सकता है मेरे हिसाब से कि जोशुआ लिटिल आज के मैच में ड्रीम टीम का हिस्सा ना बने दोस्तों, ये कन्फर्म है, मुझे लगता है कि नहीं बनेंगे। मैं ना रिस्क लेता हूं और आपके सामने जोशुआ लिटिल को हटाता हूं और यहां पे रखते हैं बी मैकार्थी को। ये देखिए बी मैकार्थी, मार्क एडायर, सी यॉन्ग। मार्क एडायर को रखने के पीछे मेरा रीजन ये है दोस्तों कि ये बैटिंग भी अच्छा करते हैं और इंग्लैंड की बैटिंग ऑर्डर फिर से गिरेगी तो जाहिर से बात है कि चलेंगे दोस्तों। एक और खास बात है, ये देखिए मैंने यहां पर ना इस शोरी को और जो डफी को रखा है, मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब ये है कि स्टार्टिंग में डफी 1 या 2 विकेट ले सकते हैं और इस जोड़ी मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन को उखाड़ के फेंक सकते हैं। तो अब देखते हैं कि अब यहां पे इनमें से हमें किसी को रिमूव करना पड़ेगा, इनमें से या यहां से हमें काम करते हैं दोस्तों। यहां पे जोए डेनली को हटाते हैं, ठीक है, यहां से हम जोए डेनली को ऑलराउंडर से जोए डेनली को हटाते हैं और यहां से रखते हैं डॉकरेल को, क्योंकि दोस्तों डॉकरेल 4 ओवर करता है और बैटिंग करने आता है यहां पे 6th नंबर पे 7th नंबर पे। तो सबसे बड़ी बात है कि डॉकरेल बॉलिंग अच्छा कर रहा है। अब हम यहां से फिन एलन को हटा के देखिए बेलब्रिन को रखते हैं, ये देखिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज के मैच में गुप्टिल अच्छा मारेंगे, डी क्लेवर अच्छा खेलेंगे और डेरी मिशेल अच्छा खेलेंगे, इधर से बेलब्रिन अच्छा खेलेंगे और डॉकरे अच्छा खेलेंगे। कुर्टिस कैंपर को हमने मिडिल ऑर्डर में रख लिया। हो सकता है दोस्तों, जहां तक मुझे लग रहा है कि आज न्यूजीलैंड मैच हार सकती है, अगर न्यूजीलैंड हार सकती है तो हमने इनको रखा है। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, आपको ना टीम थोड़ी सी ना, जगह अगर आप संख्या टीम की संख्या ज्यादा है, 20 टीम है, तो 10 टीम आप बनाओ न्यूजीलैंड को जिताने के लिए, 10 टीम बनाओ आयरलैंड को जिताने के लिए और फॉर्मेट यही रखो। हालांकि आज का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो सकता है। अब चेंज कैसे हो सकता है मैं वो भी आपको करके बताता हूं। अब देखिए चेंज ऐसे हो सकता है, जो पिच रिपोर्ट है, पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बैलेंस्ड पिच है और इस पिच पे बैटिंग भी होगी और विकेट भी गिरेगी, तो मुझे जहां तक लगता है कि विकेट कम गिरेगी, तो मैकार्थी को हटा देते हैं। यहां से हम
निशम को रखते हैं क्योंकि ये बैटिंग करने पहले आ रहे हैं। कहां पे आ रहे हैं ये देखिए, ब्रैशवेल के पहले आ रहे हैं। ये टीम देखिए, अब यहां पे हमने दोस्तों इस तरीके से आपको टीम एक बार तैयार करके देखना चाहिए। यहां पे मैंने लोकी फर्गुसन को हटाया है दोस्तों। लोकी फर्गुसन को हटाने के पीछे रीजन ये है कि लोकी फर्गुसन पावर प्ले में दो ओवर पावर प्ले में कर देते हैं। तो दो ओवर अगर पावर प्ले में करेंगे तो पावर प्ले में कौन खेलता है? तो पावर प्ले में खेलेंगे पॉल स्टॉर्लिंग एंड एंड्रयू बेलब्री। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि ये आज के मैच में आयरलैंड अच्छी स्कोर कर सकती है। तो दोस्तों चलिए अभी हम तीन टीम बनाकर क्रिएट करते हैं, और तीनों टीम जो है अभी मैं आयरलैंड जीत रही है इस चीज को सोचकर मैं बना रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, इधर से मैंने डी क्लेवर को रखा, बैट्समैन में मार्टिन गुप्टिल को, जी डॉकरेल को, डेरी मिशेल को, ऑलराउंडर में जेमी निशम, कैम्पर एंड बॉलर में क्रेग योंग, मार्क एडायर। ये देखिए इस तरीके से मैंने टीम तैयार किया। अब इस टीम में कैप्टन किसको रखते हैं? कैप्टन हम रखते हैं इस टीम में इस शोरी, और वाइस कैप्टन रखते हैं जी डॉकरेल। ये देखिए इस टीम को सेव करता हूं। इसके बाद एक और टीम बनाते हैं। इस टीम में दोस्तों यहां से डेरी मिशेल को हटा के हैरी टेक्टर, ये देखिए ऊपर के, इस टीम से मैं निशम को हटा रहा हूं और ब्रैशवेल को रख रहा हूं। और इस टीम में कैप्टन बनाता हूं मैं क्रेग योंग को, ये देखिए वाइस कैप्टन डॉकरेल को ही रखता हूं। वाइस कैप्टन डॉकरेल को नहीं रख के हम कुर्टिस कैम्पर को रखते हैं। ये देखिए नहीं, हैरी टेक्टर, ये एक दूसरी टीम हो गई दोस्तों। अब एक टीम ये देखिए, ये जो पहली टीम मैंने बनाया था उसमें ये रखा था, सेकेंड टीम में मैंने ये रखा, थर्ड टीम ये रहा, फोर्थ टीम ये रहा, और पांचवी टीम में क्रिएट कर रहा हूं। इसके अंदर एक बैट्समैन यहां से हटाते हैं, बेलब्रीन को हटाते हैं, और बॉलर में लोकी फर्गुसन को रखते हैं। ये देखिए, और इसमें कैप्टन जोय डफी और डी क्लेवर, ये दोस्तों फिलहाल मैंने ये टीम तैयार कर दी है अभी के लिए। दोस्तों ये फिलहाल टीम तैयार कर दिया है मैंने, फिर जैसे ही लाइनअप्स आता है तो मैं प्राइम टीम के साथ 6 टीम टेलीग्राम के ऊपर पोस्ट करूंगा, जो कि कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो आज के मैच में बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अभी थोड़ा सा और रिसर्च करना बाकी है। तब तक के लिए आप ये सोच लो दोस्तों कि किस हिसाब से हमें टीम को लगानी है, कौन कौन से ऐसे प्लेयर है। ये देखिए इसमें प्लेयर्स, आप देखिए आपको इन प्लेयर्स के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें देखना है कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं, बेस्ट अच्छे प्लेयर हैं, जैसे जोशुआ लिटिल हो गए, जैसे फिन एलन हो गए, डी क्लेवर्स हो गए, ये ऐसे प्लेयर्स हैं दोस्तों जो अच्छा परफॉर्म करते ही करते हैं, ठीक है। तो इन लोगों को आपको रखना ही रखना है। जैसे ब्रैशवेल है, अगर ये 15 ओवर तक, ये सारे के सारे 15 ओवर तक आउट हो जाते हैं, तो ब्रैशवेल को अगर 5 ओवर भी मिल जाता है तो ये आपको वाइस कैप्टन का रोल अदा कर सकते हैं दोस्तों। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, एम ब्रैशवेल को। और मेरे हिसाब से अगर अब देखा जाए तो आज के मैच में कैप्टन और वाइस कैप्टन का जो रोल अदा कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो दोस्तों इस शोरी कैप्टन का रोल अदा कर सकते हैं, और इधर से क्रेग योंग, ये मेरे हिसाब से आज बेस्ट प्लेयर हो सकते हैं। और एक और प्लेयर है दोस्त मेरे दोस्तों एक प्लेयर और है जो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और वो है हैरी टेक्टर। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।